beacon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों में एक बड़ा नाम शुमार मुख्तार अंसारी का आता है। मुख्तार अंसारी के अगर परिवार को देखा जाए तो उनका सियासत से काफी अलग तरीके का जुड़ाव है। मुख्तार अंसारी खुद कई दफा विधायक रह चुके हैं, लेकिन उन पर दाग लगा है। बाहुबली और कई सारे मामले विचाराधीन थे। हालांकि अब बाहुबली मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है, तो अब उनके बारे में बात करना भी यहाँ पर जरूरी नहीं है। हालांकि उनके बेटे अब्बास अंसारी, वो भी विधायक है मऊ सदर विधानसभा सीट से, लेकिन वो भी कई सारे कानूनी पचड़ों में फंसे हुए हैं और फिलहाल कासगंज जेल में बंद है। उनके बड़े भाई जिनका नाम अफजाल अंसारी है, उन पर भी कई सारे मुकदमे हैं। हालांकि इस बार वो एक बार फिर से सांसद बन गए, तो वहीं इनके परिवार के एक और सदस्य सिबकतुल्लाह अंसारी, जो सबसे ज्यादा साफ छवि के नेता के तौर पर जाने जाते हैं, वो भी कई दफा विधायक रह चुके हैं। तो वहीं इस बार के जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें उनके बड़े बेटे मनु अंसारी, जिनका नाम शुहेब अंसारी है, वो मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से विधायक बन गए हैं। लेकिन शुहेब अंसारी मोहम्मदाबाद विधानसभा से विधायक बनते ही कुछ इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं कि हर लोग जो है कहीं ना कहीं मनु अंसारी को पसंद कर रहा है। अखिलेश यादव के करीबी नेता के तौर पर भी जाने जाने लगे हैं और मोहम्मदाबाद में बेहतर काम कर रहे हैं और मोहम्मदाबाद की दिक्कतों को विधानसभा में जबरदस्त तरीके का उठाते नजर आते हैं। इस कड़ी में वो गरीबों के बीच भी लगातार जाते नजर आते हैं और कल उन्होंने एक तस्वीर साझा किया है और वो तस्वीर ये है कि उनके क्षेत्र में आग लग गया था और सूचना पाकर वो आगजनी जहां हुई थी, जहां पर आग लगा था, वहां मौके पर पहुंच गए, परिजनों से मुलाकात किया और हर संभव प्रयास करने की बात कही। तो ये होता है एक डेडिकेटेड नेता कि आपके क्षेत्र में किसी गरीबी के साथ जो है कोई दिक्कत होता है तो आप वहां पर पहुंचते हैं और उसको न्याय दिलाने के लिए, मदद करने के लिए आप आगे बढ़कर सामने आता है। तो ये एक साफ छवि किताब जिस तरीके से बाहुबली का दाग लगा हुआ है, उसमें अपना एक अलग परसेप्शन, अपना एक अलग छवि बनाते नजर आ रहे हैं। बात करें तो मनु अंसारी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर कई सारी तस्वीरें साझा करके लिखा है कि आज अपने क्षेत्र के नारायणापुर गाँव में आग लगने की सूचना पाकर मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मिला, वो हर संभव मदद किया। तो ये होता है एक अच्छे पॉलिटिशियंस की पहचान। बाकी मनु अंसारी की सियासत पर आपकी राय क्या है, बताइएगा। धन्यवाद।